तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, माय यूट्यूब चैनल उमा सिंह पटेल क्लास में आप सभी का स्वागत है मित्रों। तो मैं जो है क्वेश्चन नंबर 26 तक बचा चुका हूँ, जो इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, पावर ऑफ एक्सपोनेंट। ये सबके लिए क्लास है, जिसका भी बेसिक पॉइंटेड कमजोर है, पावर ऑफ एक्सपोनेंट के जितने भी सवाल है आपको पर डे में जो है वन लाइनर चलाते रहेंगे। ये तो है सिलेबस जो क्लास 9th का, लेकिन यहाँ से आप मैथ को पढ़कर अपना मजबूती बना सकते। काफी क्वेश्चन है जो आपके कंपटीशन संबंधित ओरिएंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमारे जो भी चैनल को आज न्यू देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। काफी बेस्ट बेस्ट आपको आंसर पर डे मिलते रहेंगे आपको, जिससे अपना जो है मैथ का कैलकुलेशन काफी फास्ट कर सकते हैं, बेसिक पॉइंट मजबूत कर सकते हैं। आइए टाइम लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 तक मैं जो है बता चुका हूँ। इस समय बालाजी प्रकाशन का क्वेश्चन मैं चला रहा हूँ। काफी क्वेश्चन इसमें है, पावर एक्सपोनेंट के 50 से 60 क्वेश्चन, जिसमें आप अपनी मजबूती को बेहतरीन ढंग से जो है कायम रख सकते हैं या कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 16 के पावर 2x प्लस 3 बराबर 64 की पावर x प्लस 3, तब 4 के पावर 2x माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। यानी ये इसका मान निकालना है, तो आइए बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। जब यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा हमें, तो वहां रखने में आसानी हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, 16 जैसे किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक। या इसको हम बना सकते हैं 4 की पावर 2, फिर पूरे की पावर 2x प्लस 3, इसको ऐसे बनाएंगे, किसका क्यूब है, 4 का क्यूब, 4 की पावर 3 की पावर x प्लस 3, ठीक। अब ये जो अंदर पावर ऊपर क्या हो जाएगा, ये इसका गुणा करा देंगे। तो यहां से देखिए 2 का गुणा 2 में होगा, तो 2 दूना 4x प्लस 2 3 6, इधर ऐसे गुणा करा दीजिएगा, 4 के पावर 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x प्लस 3 त्रिका 9, ठीक। अब यहां से देखिए इन दोनों का क्या है, यहां से चीजें सेम, यहां से इनको हम इरेज कर देंगे। अब तुलना कराना है पावर टू पावर का, तो x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 9, ठीक। यहां से x प्लस है, इधर लाएंगे हम इसको, माइनस हो जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल टू 9 माइनस 6, 4x में से 3x घटाएंगे, 3x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब x का वैल्यू 3 आ जाएगा, यहां पर उठा के हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, 4 की पावर 2 बड़े 3 माइनस 2 इक्वल टू 4 की पावर हमारा आ जाएगा 2 3 6, 6 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहां से देखिए 4। अब 4 के पावर 4 मतलब इसका 4 बार हम गुणा करा देंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 यहां से, ठीक। तो 4 चौके 16 चौका 64, 64 चौका 256 आ जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक। तो काफी जबरदस्त क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बताते हैं टाइम ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर तीस, तीसवां सवाल देखे दिया, यदि 2/3 के पावर x इंटू 3/2 के पावर 2x बराबर 81/16, तब x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या करेंगे हम, सेम कोई भी यहाँ से जिसको चाहे उसको हम क्या कर सकते हैं, उल्ट सकते हैं, बस जो भी पलटेगा उसका पावर में चेंजिंग आएगा। कोई भी एक हम समान बना रहते हैं, लास्ट को देखें, जिससे हमारा 3/2 पे ये सेट होगा, क्योंकि ये 3 पे पड़ेगा, ये 2 पे, तो इसी तरह आप इसको पलटेंगे, ये उसको उल्टा कर देंगे, 3 के पावर 2 तुरंत ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ बीच में कुछ नहीं क्या रहता है, गुणा इंटू 3/2 की पावर 2x, इधर वाले को सेट कर लेंगे, ये देखिए 3 के पावर 4 सेट होगा, ये 2 के पावर 4, तो 3/2 पूरे के पावर हो जाएगा हमारा ये 4, ए टू दी पावर एम इंटू एन, एम प्लस एन 3/2 की पावर, इस पावर को हम जोड़ देंगे, माइनस एक्स प्लस 2x इक्वल टू 3/2 की पावर 4, ठीक। अब यहां से देखिए इन दोनों का ये बेस सेम है, माइनस एक्स प्लस 2x, तो कितना जाएगा एक्स बराबर कितना जाएगा 4, ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो थोड़ा क्लास आज यही तक रोकता है, 2 सवाल, थोड़ा अभी इस समय डाटा मेरे मोबाइल का कम है, इसलिए थोड़ा 2-3 सवाल करके बनाता हूं। तो आज अगर जल्दी से जल्दी तो लाइक या सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जो अभी सब्सक्राइब नहीं किया नए हैं तो पर डे आप हमारे चैनल को जुड़ जाइए, आपका मैथ काफी बेहतरीन पॉइंट होने वाला है। तो जय हिंद जय भारत।